सुप्रभात बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में हिंदी में अध्याय 17 साइकिल अध्याय को पढ़ा था और समझा था और इसके शब्दार्थ किए थे। अब हम हमारे अभ्यास में था प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर एक है, साइकिल का आविष्कार कब और कैसे, कब और किसने किया? साइकिल का आविष्कार कब और किसने किया? तो अब आपको इसका उत्तर देना है। साइकिल का आविष्कार क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ने 1839 ईस्वी को किया था। अब आपका प्रश्न नंबर दो है, मैकमिलन द्वारा बनाई गई साइकिल को क्या कहा जाता है? उसका उत्तर है, मैकमिलन द्वारा बनाई गई साइकिल को बोन शेकर यानी हड्डियों को हिला देने वाली कहा जाता है। अब आपका प्रश्न नंबर तीन है, 1890 ईस्वी में बनी अनूठी साइकिल के बारे में बताइए। इसका उत्तर है, 1890 ईस्वी में कलाबाजों ने एक समूह द्वारा 23 फुट लंबी एक विशाल साइकिल का निर्माण किया गया। इसमें 10 सीट थी। इसमें सीटें कितनी थी? 10 सीट थी। अब प्रश्न नंबर चार है आपका, डेनमार्क में 1870 ईस्वी में कैसी साइकिल का निर्माण किया गया? कैसी साइकिल बनाई गई थी? यहाँ पर आपको उत्तर बताना है, डेनमार्क में 1870 ईस्वी में 72 फुट लंबी और 34 सीटों वाली साइकिल का निर्माण किया गया था। अब आपके ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आपको चार प्रश्नों के उत्तर देना थे। अब आपको यहाँ पर दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुविधाजनक, अनोखी, मॉडल, उपलब्ध, आकारों, महत्वपूर्ण। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। यहाँ पर आकारों और महत्वपूर्ण ये शब्द आपको दिए हुए हैं। अब आपको इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों में कई मॉडल और आकारों में साइकिलों का आविष्कार किया गया। नंबर दो, प्रारंभ में साइकिल इतनी रिक्त स्थान नहीं थी, सुविधाजनक नहीं थी। उस समय यह कितनी अनोखी और महत्वपूर्ण वस्तु रही होगी? यहाँ पर इसमें आपको अनोखी भरना है। अब आपका चार दिया हुआ है, भविष्य में यह और भी परिष्कृत रूप में हमारे लिए क्या हो जाएगी? उपलब्ध होगी। अब आपको सही गलत करना है। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। शुरू में दो पहिए वाली साइकिल का निर्माण किया गया, गलत। नंबर दो, डेनमार्क में 72 फुट लंबी और 34 सीटों वाली एक विशाल साइकिल का निर्माण किया गया था, सही। वर्तमान में साइकिल एक अनूठी वस्तु मानी जाती है, सही। 1890 ईस्वी में बनाई गई साइकिल विश्व की सबसे लंबी साइकिल थी, गलत। मैकमिलन ने हवादार ट्यूब लगाकर साइकिल का निर्माण किया, गलत। अब आपको भाषा कौशल दिया हुआ है। भाषा कौशल में आपको निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनूठी साइकिल पर इस समूह ने यूरोप और अमेरिका के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नंबर टू है आपका हवादार। फार्मिंग की पैनी साइकिल के पहियों में हवादार ट्यूब लगाई गई थी। नंबर थ्री, योग्य क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ने एक योग्य और अनूठी साइकिल का निर्माण किया। नंबर चार है आपका लोकप्रिय फार्मिंग की पैनी साइकिल भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। नंबर पांच, लंबी 1890 ईस्वी में कलाबाजों के एक समूह द्वारा 23 फुट लंबी एक विशाल साइकिल का निर्माण किया गया। नंबर छह, निर्माण प्रारंभ में केवल एक पहिए की साइकिल का निर्माण किया गया था। अब आपका ये वाला जो है ये पूरा हो गया है, आपको जो वाक्य बनाने थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, नंबर ख है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। आपको यहाँ दिया हुआ है साइकिल, तो यहाँ पर साइकिल हो जाएगा। साधारण साधारण, आविष्कार आविष्कार, संभव संभव, लोकप्रिय लोकप्रिय, निर्माता निर्माता। ये आपका सही उच्चारण आपको करके और इसको सही लिखना है।
इस पाठ में से चार संज्ञा, चार विशेषण तथा चार सर्वनाम चुनकर लिखिए। अब संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? किसी का भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, है ना। तो साइकिल, क्रिकपैट्रिक, मैकमिलन, अमेरिका और डेनमार्क, ये तो हो गए संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति, जगह, इनके नाम आते हैं ना, वस्तु, स्थान। अब विशेषण, विशेषण क्या है इसमें? देखते, आविष्कार, मॉडल और आकार। अब सर्वनाम, सर्वनाम छांटकर भी लिखना था आपको। सर्वनाम क्या होती है? संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किए जाते हैं, और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता। अब सर्वनाम, वह, इसके, इससे, जिसने, ये हो गए आपके सर्वनाम। अब आपका है भावबोध। भावबोध में अब आपको यहाँ पर जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग तथा जिन जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे छात्र का, छात्रा, माता का, पिता आदि। नीचे कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इनके पुल्लिंग शब्द लिखिए। घोड़ी, घोड़ा, बालिका, बालक, बच्ची, बच्चा, अध्यापिका, अध्यापक, शेरनी, शेर। अब आपको ये जितना भी अभी मैंने ये वर्क आपका जो समझाया है, आपको आपकी हिंदी की कॉपी में इसे पूरा करना है, आपकी ऑनलाइन वाली जो कॉपी है। ओके बच्चों, आपको अच्छी हैंडराइटिंग में ये सारा वर्क करना है, और बुक, जिनके पास बुक्स है वो बुक भी फील करेंगे, अपनी बुक में भी करेंगे, कॉपीज में भी करेंगे। ओके बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।